नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों की ओर बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सीएम योगी ने पांचगढ़ी पर लगाया जनता दरबार, सीएम ने सुनी जनता की समस्याएं, बीमारी और विभिन्न समस्याओं में मदद के दिए निर्देश। कैंसर से पीड़ित केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार का बेंगलुरु में निधन, पीएम मोदी व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी सहित कई नेताओं ने जताया शोक, मंगलवार को अंतिम संस्कार। कानपुर के चौबेपुर के कंजती गांव में मामूली विवाद में दुकानदार की नृशंस हत्या, घटना से गांव में दहशत का माहौल, हत्यारोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। छठ पूजा का आज दूसरा दिन, श्रद्धालु मना रहे खरना, अखंड निर्जला व्रत का लिया संकल्प। कानपुर में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, फायरिंग में एक सिपाही व बदमाश सुजीत उर्फ गोलू बजरिया को लगी गोली, दोनों को इलाज के लिए पुलिस ने हेलमेट में भर्ती करवाया। और अब खबरों की ओर बढ़ेंगे विस्तार से। महापर्व छठ का आज दूसरा दिन है और पहले दिन नहाए खाए के बाद आज खरना या लोहंडा है और छठ पूजा सुबह और शाम के अर्घ के साथ 14 नवंबर तक चलने वाली है। छठ पूजा में सूर्य को पहला अर्घ 13 नवंबर को दिया जाएगा। छठी मैया के इस पर्व को बिहार में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है और इसके अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और नेपाल में भी छठी मैया को पूजा जाता है। छठ पूजा के दिन बच्चों और बुजुर्गों को छोड़कर घर के लगभग सभी सदस्य व्रत रखते हैं। छठ पूजा सुबह और शाम के अर्घ के साथ 14 नवंबर तक चलने वाली है। फरुखाबाद में भूमि विवाद की वजह से ग्रामीण की पीट पीट कर हत्या कर दी गई, पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। दरअसल ताजा मामला अमृतपुर बस स्टेशन के पास का है, जहां के अग्निहोत्री के गांव के ही गंगाराम दुबे से भूमि विवाद चल रहा था और जहां गंगाराम के साथ परिजन उसी भूमि पर तार लगा रहे थे, तभी दूसरे पक्ष ने आपत्ति जताई, जिसके बाद विवाद बढ़ गया और दोनों पक्षों में मारपीट हो गई, जिसमें एक युवक बुरी तरह से घायल हो गया। परिजनों ने घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया है, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत बताया। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। लगभग 3 और 4 के बीच में दुबे परिवार और अग्निहोत्री परिवार दोनों खेत में बल्ली गाड़ रहे थे, उसी को लेकर इन लोगों में तूतुमय में हुआ और दुबे परिवार ने अग्निहोत्री मुन्नालाल को, उम्र उनकी 55 साल है, पहले से उनको बीमार भी थे, उनको राड से लाठी से मार दिए। उसे निचोट लग गई, राजेपुर पीएससी गए, पीएससी से फिर रेफर हुए भैया के लिए, यहाँ ले आए लोग, यहाँ पर दवा दर्पण में उनकी मृत्यु हो गई। फतेहपुर जनपद के कोतवाली बिंदकी क्षेत्र के रजीपुर गांव में दो युवकों के घर आसपास हैं और दोनों के घर के पास एक नीम का पेड़ है, जिसमें शिवसागर के बेटे ने दातून तोड़ा तो रामसागर के बेटे ने आपत्ति जताई और कहा कि नीम के पेड़ के बीच से मेरा बिजली का केबल न टूटने पाए। इस बात को लेकर महेंद्र और पिंटू के बीच विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के बीच लाठी डंडे चले, जिस पर एक पक्ष ने शिवसागर और उनकी पत्नी संकटी देवी और दूसरे पक्ष से महेंद्र व उनके भाई घायल हो गए। दोनों पक्ष पुलिस के पास पहुंचे, पुलिस ने दोनों पक्ष का केस दर्ज कर मेडिकल के लिए अस्पताल भेज दिया।
कानपुर देहात में लोडर चालक से अपनी इज्जत बचाने की खातिर चलती गाड़ी से कूदने वाली छात्रा की इलाज के दौरान मौत हो गई है। 7 दिनों तक कानपुर के हैरट अस्पताल में संघर्ष करने के बाद उसने दम तोड़ दिया, जबकि उसके साथ लोडर से कूदी दूसरी किशोरी की भी हालत नाजुक बनी हुई है और जिसका इलाज कानपुर देहात के अकबरपुर में स्थित अस्पताल में चल रहा है। वहीं पुलिस ने इस मामले में लापरवाही बरतते हुए मौके से गिरफ्तार किए गए लोडर चालक को छोड़ दिया है। छात्रा की मौत के बाद परिजनों में पुलिस के रवैये के प्रति गुस्सा और नाराजगी साफ देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि कानपुर देहात के अकबरपुर में स्थित जनता इंटर कॉलेज से 5 नवंबर को 2 छात्राएं अपने घर को वापस लौट रही थी। सवारी न मिलने के कारण वो लोडर में बैठ गई। कुछ दूर जाने के बाद लोडर चालक ने उनके साथ अश्लीलता करना शुरू कर दिया और जिस पर उन्होंने लोडर चालक से गाड़ी रोकने को कहा, लोडर चालक गाड़ी रोकने के बजाय उनके साथ अश्लीलता करने लगा, जिस पर कक्षा 9 की दोनों छात्राएं गाड़ी से कूद गई। फरुखाबाद में पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्रा के निर्देशानुसार अपराधियों के विरोध में अभियान चलाया गया है, जहां पुलिस ने 46 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जहां अराजक तत्वों के खिलाफ चल रहे धरपकड़ अभियान के तहत 15 NBW और 1 वांछित को गिरफ्तार किया। फरुखाबाद में बीती 8 नवंबर की रात ससुराल में हुई युवक की हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। ससुराल में सो रहे युवक की ईंटों से कुचलकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस की जांच में ये बात साफ हो गई थी कि मृतक की पत्नी ने ही अपने पति की हत्या कर दी थी। पुलिस ने पत्नी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पूरा मामला थाना शमसाबाद क्षेत्र के ग्राम किसरोली का है, जहाँ के रहने वाले रणवीर सिंह राजपूत की उसके ससुराल में हत्या कर दी गई थी। वो कई सालों से ससुराल में ही रह रहा था। हत्या में इस्तेमाल की गई ईंट पुलिस ने बरामद कर ली है। बाद में मऊ दरवाजा क्षेत्र के अंतर्गत एक जो है मर्डर की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसपे मैं खुद मौके पे पहुंचा था और 2 टीमों का गठन किया गया था। जनपद टीम को इसमें बड़ी सफलता हाथ लगी है। 24 घंटे के अंदर इस मर्डर का खुलासा कर दिया गया है। जो मृतक था उसकी पत्नी ही इसमें जो है मारने वाली थी और उसने ये बताया कि दिवाली की रात के बाद शराब पी के ये जो उसका पति था वो घर पे आया, उसमें कहा सुनी हुई और कहा सुनी होने के बाद में जो है एक ईंट से उस पर प्रहार कर दिया और जब वो नशे की हालत में नीचे गिर गया तो उसी ईंट से और प्रहार करके उसकी मृत्यु कारित कर दी गई। केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार का बेंगलुरु में आज तड़के निधन हो गया। वो कैंसर से पीड़ित थे। 59 साल के अनंत कुमार का पहले लंदन और फिर न्यूयॉर्क में इलाज चला और 20 अक्टूबर को ही उन्हें बेंगलुरु लाकर एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। पीएम मोदी समेत तमाम बड़े नेताओं ने उनके निधन पर दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लिखा कि केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार के निधन के बारे में सुनकर मुझे दुख हुआ है। उनका जाना देश और खासकर कर्नाटक के लोगों के लिए बड़ा झटका है। उनके परिवार, सहकर्मी और उनसे जुड़े
हुए लोगों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने लिखा कि मेरे सहकर्मी और दोस्त अनंत कुमार के निधन के बारे में सुनकर मुझे काफी दुख हुआ है। वो शानदार नेता थे जिन्होंने युवा के रूप में राजनीति में कदम रखा और अब तक अत्यंत परिश्रम और करुणा के साथ लोगों की सेवा में लगे थे। जालौन के उरई में श्यामधाम में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की एक अहम बैठक बुलाई गई जिसमें प्रदेश शिवपाल यादव, फैंस एसोसिएशन दीपू त्रिपाठी और जिलाध्यक्ष लाखन सिंह कुशवाहा ने पार्टी को मजबूत करने के लिए सुमित त्रिपाठी को जिलाध्यक्ष पद पर नियुक्त किया और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की नीतियों को लोगों तक पहुंचाने का संकल्प लिया। इसके साथ ही साल 2019 में होने वाले चुनाव में पार्टी की सहभागिता को मजबूत बनाने पर जोर देने को कहा गया। मीडिया से बात करते हुए सुमित त्रिपाठी ने कहा कि पार्टी ने जो जिम्मेदारी हमको दी है हम उसमें खरे उतरेंगे। शिवपाल फैंस एसोसिएशन का जिलाध्यक्ष बनने के नाते अपने जिलाध्यक्ष के पद को सम्मानित करूंगा और आगे जो है सभी लोगों से मिलजुल के संगठन को मजबूत करूंगा। माननीय दीपू त्रिपाठी, आशीष चौबे, लाखन सिंह जी, माननीय मेलू राजा के हाथों को मजबूत करूंगा, शिवपाल सिंह के हाथों को मजबूत करूंगा। इंडियन साइकाट्रिक सोसाइटी की तरफ से मेडिकल कॉलेज में यूथ मेंटल हेल्थ स्पेशलिटी सेक्शन के द्वारा एक दिवसीय व्याख्यान का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में बाइपोलर डिसऑर्डर, अवसाद, नशे की लत और इंटरनेट एडिक्शन आदि विषयों पर चर्चा हुई। बदलती दुनिया, युवा और उनका मानसिक स्वास्थ्य विषय पर भी व्याख्यान हुआ। कार्यक्रम के अंत में शहर के वरिष्ठ पत्रकार और कानपुर प्रेस क्लब के संरक्षक सरस वाजपेयी और आरोग्य धाम के चिकित्सक डॉक्टर हेमंत मोहन और डॉक्टर आरती मोहन को विभागाध्यक्ष इंदिरा शर्मा ने सम्मानित किया। सेक्रेटरी सरस वाजपेयी, सरस भैया का बहुत ही सहयोग रहता है, बहुत ही योगदान है, स्वागत करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। सेक्रेटरी सरस वाजपेयी, सरस भैया का बहुत ही सहयोग रहता है, बहुत ही योगदान है। सेक्रेटरी सरस वाजपेयी, सरस भैया का बहुत ही सहयोग रहता है, बहुत ही योगदान है, स्वागत करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। कार्यक्रम है युवाओं को लेके, यूथ मेंटल हेल्थ पे इस समय मुझे नेशनल कन्वीनर बनाया है इंडियन साइकेट्रिक सोसाइटी का, तो उस पे हम लोगों ने आज एक पब्लिक फोरम का आयोजन किया जिसमें कि युवाओं ने अपनी समस्याओं का संवाद किया। हमारे जो आईपीएस के वाइस प्रेसिडेंट हैं और जो आईपीएस के हमारे सचिव महोदय हैं उन्होंने टॉक दी और उस पे उन्होंने संवाद किया युवाओं से। आज का जो ये कार्यक्रम है वो युवाओं में होने वाली मानसिक समस्याओं को लेके हुआ था, जिसकी की थीम हम लोगों ने रखी है यंग पीपल एंड मेंटल हेल्थ इन अ चेंजिंग वर्ल्ड, यानी बदलती दुनिया में युवा और उनका मानसिक स्वास्थ्य। और इस कार्यक्रम में देश विदेश के जाने माने मनोरोग विशेषज्ञ आए, उन्होंने विभिन्न विषयों पर मनोरोग से संबंधित जो युवाओं में समस्याएं हैं उससे रूबरू हुए और उस पर उनका लेक्चर और डिस्कशन था। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है, जल्द हाजिर होंगे।
सौंदर्य एवं स्वास्थ्य के लिए टेक्नो फार्म का शी केयर सिरप, स्त्रियों के मुश्किल दिनों का साथी शी केयर सिरप। पिक्चर देखने चलोगी? ना बाबा, सर और बदन में दर्द है। ये लो अजूबी। अजूबी दर्द भगाए, आराम पहुंचाए। अजूबी, कमाल की अजूबी। स्त्रियों के सौंदर्य एवं स्वास्थ्य के लिए टेक्नो फार्म का शी केयर सिरप, स्त्रियों के मुश्किल दिनों का साथी शी केयर सिरप। अरे भाई तैयार हो जाओ, 3 घंटे में फ्लाइट है, 3 फंक्शन है बॉस। मेरा तो सब सेट है। और आप? ला मिलियार्डो, स्पेशल मोमेंट्स फॉर एवरीवन। मुशायरा शनिवार रात्रि 9 बजे और रविवार दोपहर 1 बजे सिर्फ JMD न्यूज पर। गॉसिप्स के गलियारों का हाल, फिल्मी सितारों की हर वो बात, पर्दे के पीछे की कहानी, हम लाएंगे सिनेमा की जुबानी सिर्फ खबर फिल्मी का। देखिए शाम 4:30 बजे सिर्फ JMD न्यूज पर। इंडियन हिस्ट्री में पहली बार डेन का डिजिटली महाअवतार। अब आपके मोबाइल में होगा मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर या iOS से डेन TV Plus डाउनलोड करें और अपने मोबाइल को बनाएं चलता फिरता ऑन डिमांड TV। ढेर सारे चैनल्स, मूवी ऑन डिमांड, नॉनस्टॉप न्यूज एंड म्यूजिक, मींस फुल एंटरटेनमेंट, कुछ भी कहीं भी। जब आपके मोबाइल में होगा डेन TV Plus, फिर तो ऐश ही ऐश है बस। आप देख रहे हैं JMD न्यूज, आम जन की आवाज। मीडिया हैज चेंज्ड एंड सो इज द टूल। But truth is the currency of news, bringing out the authentic and unbiased highlights from the corridors of politics and administration. Vigilant eye on crime and corruption 24/7. Precise coverage on cultural, business and sports happening throughout the week. Film, fashion, food and more. Only on News and Views. के दुबे पद्मेश का नमस्कार। अब हम आपको प्रत्येक रविवार को आपकी समस्याओं का करेंगे समाधान ज्योतिष के दर्पण पे। आपको भेजना होगा अपनी जन्म तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान। किस पर? JMD पर, केवल JMD पर। और इसके बाद बताएंगे देश में क्या होने वाला है, कैसे पर्व और त्योहार मनाएं। प्रत्येक रविवार को 11 बजे से 12 बजे तक हम करेंगे ज्योतिष के माध्यम से मानव सेवा। नमस्कार। इंडियन हिस्ट्री में पहली बार डेन का डिजिटली महाअवतार। अब आपके मोबाइल में होगा मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर या iOS से डेन TV Plus डाउनलोड करें और अपने मोबाइल को बनाएं चलता फिरता ऑन डिमांड TV। ढेर सारे चैनल्स, मूवी ऑन डिमांड, नॉनस्टॉप न्यूज एंड म्यूजिक, मींस फुल एंटरटेनमेंट, कुछ भी कहीं भी। जब आपके मोबाइल में होगा डेन TV Plus, फिर तो ऐश ही ऐश है बस। आप देख रहे हैं JMD न्यूज, आम जन की आवाज।
आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज आम जन की आवाज। Media has changed and so is the tool. But truth is the currency of news. Bringing out the authentic and unbiased highlights. के बाद आप सभी का स्वागत है। कन्नौज जिले की सौरेख इलाके में वैश एवं व्यापारी चिंतन महासम्मेलन का आयोजन में बीजेपी सांसद श्यामा चरण गुप्ता ने शिरकत की, जहां मीडिया से बात करते हुए अपनी सरकार पर हमला बोला और कहा कि इस सरकार में उनकी नहीं सुनी जाती तो किसी और की क्या सुनी जाएगी, ये गठबंधन क्या बना सब डर गए, लेकिन हम इतना नहीं डरे, हम तो जाति के बनिए हैं, हमको बनिए का सहारा है। इसलिए साथ ही उन्होंने कहा कि मौलाना बुखारी दिल्ली से एक अजान देता है तो देश के सारे मुसलमान एक हो जाते हैं, राजनाथ सिंह आवाज देते हैं तो सारे ठाकुर एक हो जाते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी एक आवाज देते तो सारे ब्राह्मण एक हो जाते और मुलायम सिंह आवाज देते तो पूरे यादव एक हो जाते, और साथ ही अगर मायावती एक आवाज देती हैं तो उनकी बिरादरी के सभी लोग एक हो जाते हैं, लेकिन अगर वैश्य समाज का नेता आवाज देता है तो हम एक नहीं होते। राम मंदिर बनेगा, राम मंदिर बनवाया जाए। ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि पहले भाजपा में शामिल मुस्लिम नेताओं के नाम बदले, इस पर क्या कहेंगे आप? बात तो उसने सही कही है, लेकिन अकेले उतने नहीं, आपको मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि पहले भारत का नाम, इंडिया का नाम हिंदुस्तान कर दिया जाए, सारी समस्या खत्म हो जाए। लौपुर सरदार पटेल की मूर्ति पर विपक्ष हमलावर है, विपक्ष का कहना है मूर्ति निर्माण से विदेशियों को फायदा पहुंचेगा, कितना सही है? नहीं नहीं देखिए, ऐसा है कि महापुरुषों की मूर्तियां लगनी चाहिए और भी जो महापुरुष बचे हैं उनकी मूर्तियां। भिक्षुकों को स्वावलंबी बनाने के लिए जन उपकार सेवा संस्थान की तरफ से उनका स्वास्थ्य परीक्षण करवाया गया। संस्था के लोगों ने बताया कि जल्द ही संस्था की तरफ से शहर भर के भिक्षुकों की संख्या का पता लगाकर उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड और राशन कार्ड बनवाए जाएंगे, साथ ही इनके उद्धार हेतु संस्था मुख्यमंत्री से भी मुलाकात कर राहत की मांग करेगी। और अगली खबर आपको फर्रुखाबाद से बता दें, जहां पर पुलिस का अग्रवाल खत्म हो गया है, नहीं थम रही है फायरिंग की घटनाएं। बड़ी खबर फर्रुखाबाद से, दबंगों ने युवक के घर में घुसकर गोली मारी। इस वक्त की बड़ी खबर फर्रुखाबाद से, और युवक की मौत हो गई है। दबंगों ने युवक के घर में घुसकर उसे गोली मारी, युवक की मौत हुई। 24 घंटे में हत्या की दूसरी घटना। इस वक्त की बड़ी खबर फर्रुखाबाद से, पुलिस का इकबाल हुआ खत्म, नहीं थम रही है फायरिंग की घटनाएं। दबंगों ने युवक के घर में घुसकर गोली मारी और युवक की मौत हो गई है। 24 घंटे में हत्या की दूसरी घटना। अलग अलग दो स्थानों पर दो की हो चुकी है मौत। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अमित फोन लाइन पर है। अमित, पूछना चाहूंगी क्या कुछ पूरा मामला है? देखिए, मैं बताना चाहूंगा, ये फर्रुखाबाद के जहांगन थाना क्षेत्र के झसी का मामला है। यहाँ पे मोहन एक लड़का है, इसका उम्र 17 साल की है, और सबसे बड़ी बात है इसके चाचा ने इसके गोली मार दी। एक लड़की का प्रेम प्रसंग होने के कारण जो है इसके घर से घर खींच के जो इसके 315 बोर के
तमंचे से फायर कर दिया थी, घटनास्थल पर उसकी मौत हो गई। जी जी पूछना चाहूंगी कि 24 घंटे में हत्या की ये दूसरी घटना है और अलग अलग स्थानों पर दो लोगों की मौत हो चुकी है, आखिर फर्रुखाबाद में पुलिस का जो भय है वो लोगों में क्यों नहीं है, क्यों लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं और पुलिस इन सभी मामलों में निष्क्रिय नजर आ रही है? देखिए मैं बताना चाहूंगा, इसमें जो है दीपावली से अब तक जो करीब जो है आधा दर्जन जगह पे फर्रुखाबाद जिले में फायरिंग हो गई, जिसमें करीब कई लोग घायल हुए हैं। इधर पुलिस का एक बार एकदम खत्म होता जा रहा है। सबसे बड़ी बात जो पुलिस अधीक्षक जो संतोष मिश्रा जी जो हैं वो पुलिस पे जो इसमें लगाम नहीं लगा पा रहे, घटनाएं बराबर होती आ रही हैं। जी शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बड़ी खबर आपको फर्रुखाबाद से बता रहे थे। पुलिस का इकबाल हुआ खत्म, नहीं थम रही है फायरिंग की घटनाएं और दबंगों ने युवक के घर में घुसकर गोली मारी, युवक की मौत हो गई है, 24 घंटे में हत्या की दूसरी घटना, बड़ी खबर फर्रुखाबाद से। अलग अलग स्थानों पर दो की मौत हो चुकी है, एक गंभीर रूप से घायल, थाना जहानगंज का पूरा मामला। और अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कानपुर देहात पुलिस ने एक किशोर का अपहरण कर हत्या के मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल राजपुर थाना क्षेत्र सदर कस्बे से 21 सितंबर को एक किशोर का अज्ञात लोगों ने अपहरण किया था, जिसके बाद किशोर का शव नहर में मिला था। परिजनों ने अज्ञात लोगों के खिलाफ थाना राजपुर में अपहरण और हत्या का मामला दर्ज करवाया था। पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। पुलिस ने शक के आधार पर मृतक किशोर के चाचा के लड़के को गिरफ्तार किया है, जिसके बाद आरोपी ने अपना जुर्म कबूल किया कि जमीनी विवाद की वजह से किशोर की हत्या की। पच्चीस नौ की एक घटना हुई थी राजपुर में, एक नहर में एक बच्चे की डेड बॉडी मिली थी, सौ चार पांच दिन पुराना था, छत बिछत स्थिति में। तो पीएम कराया गया था, पीएम में जो है मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं था, तो मृतक की माँ और परिवार वालों को कुछ संदेह था कि इसकी हत्या उसके परिवार के लोग ही कर सकते हैं। तो उसी सिलसिले में हमारी टीम लगी हुई थी, तो एक शिवम नामक व्यक्ति जो इसके मृतक जो बच्चा था उसके चाचा का लड़का है, उसको पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया और उसने अपना जुर्म इकबाल करते हुए बताया कि उसने रंजिशन जो है उस बच्चे को बम्बा से फेंक दिया था नहर में, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। और रंजिश का कारण जो है उस रंजिशन जमीन का एक प्रकरण था, एक और कुछ आसनाई का प्रकरण था, जिसके कारण ये रंजिश मानता था और बदले की भावना से इसने ऐसी हत्या जगन हत्या किया था। और खबरों के इस बुलेटिन में बस इतना ही, आप देखते रहिए जेएमटी न्यूज की खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता। नमस्कार। Media has changed and so is the tool. But truth is the currency of news. Bringing out the authentic and unbiased highlights from the corridors of politics and administration.